एक ऐसी इंडियन एक्ट्रेस जो अपने आप में एक्टिंग स्कूल हुआ करती थी। आजकल की अभिनेत्रियों के लिए दुर्गा खोटे किसी आइडल से कम नहीं है। इनकी गिनती बॉलीवुड की उन हस्तियों में होती है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में औरतों के लिए एक नया आयाम सेट किया। जिस दौर में दुर्गा खोटे एक्टिंग के क्षेत्र में उतरी थी, उस दौर में फिल्मों में औरतों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अक्सर मर्द ही औरतों के किरदारों को निभा लिया करते थे। ऐसे दौर में दुर्गा खोटे ने बतौर अभिनेत्री अपनी पहचान बनाई थी। कब हुआ था दुर्गा खोटे का जन्म? इनका जन्म हुआ था मुंबई में और तारीख थी 14 जनवरी और साल था 1905। भारत गुलामी में था और कुछ भारतीय महापुरुष भारत और भारतवासियों को गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। दुर्गा खोटे बड़ी हुई और उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला किया। जबकि उस दौर में औरतों के लिए फिल्मों में काम करने का मतलब था सारी दुनिया के ताने और बुराई सुनना। वैसे भी एक संभ्रांत और प्रतिष्ठित परिवार से वो थी। फिल्मों में काम करने के लिए इनके फैसले की जानकारी जैसे ही उस दौर की फिल्म इंडस्ट्री में पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी, लेकिन दुर्गा अपने इरादों की पक्की थी। जल्दी ही हो गई दुर्गा खोटे की शादी। जब दुर्गा 18 की हुई तब उनकी शादी विश्वनाथ खोटे से करा दी गई। इनके पति एक बेहद अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनके पति का नाम था विश्वनाथ और वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। जीवन बढ़िया चल रहा था। 2 साल में इनके 2 बेटे भी हो गए। लेकिन 2 साल बाद यानी जब दुर्गा 20 साल की हुई तो पति विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो जैसे इन पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कभी किसी चीज की कमी ना देखने वाली दुर्गा को भयंकर आर्थिक तंगी होने लगी। चलती रही दुर्गा खोटे की जिंदगी। पति की मौत के बाद दुर्गा अपने दोनों बेटों के साथ ससुराल में रह रही थी। कुछ समय बाद दुर्गा को एहसास हुआ कि उन्हें भी कुछ काम करना चाहिए। पढ़ी लिखी दुर्गा ने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। एक दिन डायरेक्टर ने दुर्गा को फरीबी जाल नाम की एक फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। इस वक्त तक भारत में भी बोलती फिल्में बनने लगी थी। दुर्गा को पैसों की दिक्कत तो थी ही, सो उन्होंने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। इस फिल्म से दुर्गा को महज 2 मिनट का रोल ही मिला था। अपने रोल के अलावा दुर्गा को फिल्म की कहानी का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके घटिया कंटेंट के चलते दुर्गा को लोगों की बातें सुननी पड़ी, ताने झेलने पड़े। वी शांताराम ने पहचाना दुर्गा खोटे का टैलेंट। इतनी बातें सुनने के बाद भी दुर्गा दबाव में आ गई और उन्होंने फिल्मों से खुद को दूर कर लिया। लेकिन उस 2 मिनट के रोल वाली फिल्म से ही उन पर उस दौर के बड़े निर्देशक वी शांताराम की नजर पड़ी। उन्होंने दुर्गा को अपनी फिल्म अयोध्या राजा में तारामती के किरदार को निभाने का ऑफर भिजवाया। ये फिल्म के मुख्य पात्रों में से एक था। प्रभात स्टूडियो के बैनर तले ये फिल्म मराठी और हिंदी भाषा में बनाई गई। अब भी बरकरार था डर। दुर्गा को जब वी शांताराम का ऑफर मिला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन शांताराम ने दुर्गा को काफी समझाया। आखिरकार दुर्गा ने भी खुद को एक दूसरा मौका देने का फैसला किया। दुर्गा ने वी शांताराम का वो ऑफर स्वीकार कर लिया और फिल्म की शूटिंग पूरी की। जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो दुर्गा को काफी घबराहट हो रही थी। उन्हें फिक्र थी कि कहीं पहली फिल्म की तरह इस बार भी उन्हें समाज की बुराइयां ना झेलनी पड़े। रातों रात बन गई दुर्गा खोटे स्टार। अब अयोध्या राजा फिल्म रिलीज हुई तो दुर्गा के कामों को लेकर लोगों ने खूब प्रशंसा की। कभी तो लोग दुर्गा की आलोचना कर रहे थे तो वहीं अब दुर्गा की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। दुर्गा रातों रात स्टार बन गई। दुर्गा का आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका था। दुर्गा ने प्रभात स्टूडियो की दूसरी फिल्मों माया मच्छिंद्र में भी काम किया। इस फिल्म में दुर्गा एक रानी बनी थी। उस रानी का पालतू जानवर था एक चीता। इस फिल्म के बाद तो सभी ने दुर्गा को एक हीरोइन के तौर पर स्वीकार कर लिया। ये थी सबसे यादगार फिल्में। अपने फिल्मी करियर में दुर्गा ने मराठी और हिंदी फिल्मों के अलावा कई बंगाली फिल्मों में भी काम किया। इनके बेटों के नाम थे बकुल और हरिन। दुर्भाग्यवश इनके बेटे हरिन की मृत्यु जल्दी हो गई। बेटे की मौत से दुर्गा को गहरा सदमा पहुंचा। मुगले आजम मूवी में जोधा भाई का किरदार दुर्गा खोटे ने ही निभाया था। ये उनके करियर की सबसे यादगार फिल्म थी। एक्टिंग के अलावा दुर्गा ने फिल्मों में निर्माण में भी कदम रखा। अब तक बॉलीवुड में महिलाओं की एंट्री तो हो चुकी थी, लेकिन अभी महिलाएं केवल अभिनय ही करती थी। दुर्गा खोटे ने राशिद खान से दूसरी शादी की। उनके साथ मिलकर दुर्गा खोटे ने कई शॉर्ट फिल्में भी बनाई थी। ये सभी फिल्में उनके पति राशिद खान के प्रोडक्शन हाउस फैक्ट फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के तहत ही बनी थी। इन फिल्मों की काफी सराहना हुई।
विदेशों में होने वाली सभी फिल्में फेस्टिवलों में ये हिस्सा लेने के लिए जरूर जाती थी। यही वजह थी कि उनके अंदर फिल्म निर्माण का बढ़िया समझ विकसित हो चुका था। लगभग 50 साल तक दुर्गा खोटे ने फिल्मों में काम किया था। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दुर्गा खोटे की आखिरी फिल्म दुर्गा खोटे अधिकतर माँ के किरदारों में नजर आती थी। इनकी आखिरी फिल्म थी साल 1980 में आई कर्ज। इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर की माँ का रोल किया था। इसके बाद इनकी सेहत खराब रहने लगी और इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। फिर साल 1991 में एक दिन खबर आई कि दुर्गा खोटे दुनिया से चली गई हैं और उनके साथ ही चला गया भारतीय सिनेमा का एक सशक्त महिला चेहरा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।